हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई इन्फिनिटी। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया कि ऑटोमोबाइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लचेस यूज़ करते हैं। टोटल देर आर 8 टाइप्स ऑफ क्लचेस और मेनी मोर। आज हम बात करने वाले हैं सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। तो ये है डायग्राम सिंगल प्लेट क्लच का। ये फ्लाईव्हील है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, और इधर ये जो है ये क्लच प्लेट है, और ये प्रेशर प्लेट है, फलक्रम पिन, क्लच पेडल, क्लच स्प्रिंग्स, क्लच शाफ्ट, साइंग और बेयरिंग, इंजन शाफ्ट। तो हम इसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो पहले इधर है वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शनल, दो भी मिक्स है, मैं आपको बोलूँगा। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लच प्लेट, यानी कि इस सिंगल प्लेट क्लच में, जैसे कि नाम में ही है सिंगल प्लेट क्लच, यानी कि ये जो क्लच प्लेट है ये सिर्फ एक ही रहेगा। फ्लाईव्हील इज बोल्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट। इधर से इंजन शाफ्ट या फिर क्रैंक शाफ्ट जो आएगा इसके ऊपर या फिर उसको अटैच होके फ्लाईव्हील लगेगा। फ्लाईव्हील के साथ ही ये क्लच प्लेट और फ्रिक्शन लाइनिंग, प्रेशर प्लेट, इनकी असेंबली फिक्स होगी। क्लच प्लेट माउंटेड ऑन स्प्लाइंस ऑफ द क्लच शाफ्ट। जैसे मैंने बोला, इंजन शाफ्ट आएगा, फ्लाईव्हील, फिर फ्लाईव्हील से एक शाफ्ट आएगा, वो शाफ्ट के ऊपर क्लच प्लेट माउंट रहेगा। प्रेशर प्लेट असेंबली इज बोल्टेड टू द फ्लाईव्हील। प्रेशर प्लेट असेंबली इज बोल्टेड टू द फ्लाईव्हील। सो इस ये है पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। अब मैं वर्किंग के बारे में बात करूँगा। जब ड्राइवर गाड़ी कार रन कर रहा है उसको पावर एंगेज करना चाहिए, यानी कि जब वो क्लच पेडल नहीं दबा रहा है। व्हेन द क्लच इज एंगेज्ड, क्लच इज एंगेज्ड का मतलब है कि क्लच पेडल ड्राइवर ने नहीं दबाया है। अब ये इससे क्या होगा, मतलब क्लच प्लेट इज ग्रिप्ड बिटवीन द फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट। ये फ्लाईव्हील है, ये प्रेशर प्लेट है, इसके बीच में जो ये क्लच प्लेट है ना, ये एकदम ग्रिप रहेगा, ये पूरा अटैच रहेगा, जिससे जो पावर इंजन शाफ्ट से फ्लाईव्हील पे आई है और फ्लाईव्हील से क्लच पे जा रही है, और क्लच से यहाँ जो क्लच शाफ्ट निकला है ना, ये गियर बॉक्स पे जाएगा, जिससे कि पावर ट्रांसमिट हो रहा है। अगर वही हम व्हेन द क्लच इज डिसएंगेज करेंगे, यानी कि जब द ड्राइवर वॉन्ट्स टू डिसएंगेज द पावर बिटवीन द इंजिन एंड गेयर बॉक्स, तब ड्राइवर क्लच पेडल दबाएगा। ये क्लच पेडल दबाने से फलक्रम पिन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे ये जो प्रेशर प्लेट है वापस बैक आ जाता है। यहाँ पे एक स्प्रिंग रहती है जिससे ये वापस बैक हो जाता है, और फ्लाईव्हील से ये क्लच प्लेट अलग हो जाता है, जिससे जो पावर जनरेट हुई है इंजन से, इंजन शाफ्ट से फ्लाईव्हील पे, फ्लाईव्हील से फिर क्लच पे, लेकिन अब इधर फ्लाईव्हील और क्लच के बीच में गैप आने से पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, जिससे आपकी व्हीकल रन नहीं होगी, हालांकि इंजन ऑन है उधर। क्लच शाफ्ट स्पीड रिड्यूसेस स्लोली, फाइनली स्टॉप्स रोटेटिंग। आखिरकार क्लच शाफ्ट का स्पीड रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली, फाइनली स्टॉप रोटेटिंग। क्लच रोटेट करना बंद कर देगा, ये क्लच शाफ्ट ये सब रोटेट करना बंद कर देगा, इंजन ऑन रहेगी लेकिन क्लच गाड़ी मूव पे नहीं होगी। अब व्हीकल्स इक्विप्ड विद सिंगल प्लेट क्लच। अब ये सिंगल प्लेट क्लच ज़्यादातर आपको बड़े बड़े व्हीकल्स पे यूज़ करने मिलेगा, जैसे कि लॉरीज, ट्रक्स, कार्स। अब कार्स में आपके एग्जांपल्स है एम्बेसडर कार, मारुति कार्स, महिंद्रा जीप्स, टाटा व्हीकल्स, अशोक लेलैंड व्हीकल्स, इनमें सिंगल प्लेट क्लच यूज़ करते हैं। सिंगल प्लेट क्लच ओनली एक क्लच प्लेट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना। मैं अपनी अगली वीडियो में मल्टीप्लेट क्लच बताऊँगा और डिफरेंस बिटवीन सिंगल प्लेट और मल्टीप्लेट क्लच के बारे में बोलूँगा। थैंक यू।